आज त्रिपुरा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जी के साथ वो माताबाड़ी गए। वहाँ उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी जी का दर्शन किया और माँ का आशीर्वाद मांगा है कि जो त्रिपुरा के 40 लाख निवासी हैं उन सबका कल्याण हो, सरकार को शक्ति प्रदान हो और सरकार अच्छा काम और जल कल्याणी काम करने में सक्षम रहे, यही आशीर्वाद आज माँ से मांगा है। उसके पश्चात IPFT की जो वरिष्ठ नेता हमारी जयंती देववर्मा जी हैं, वह सुपुत्री हैं पूर्वतन नेता स्वर्गीय श्री NC देववर्मा जी की बेटी हैं, चुनाव भी लड़ी थी, उनसे आदरणीय गृहमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी की मुलाकात हुई, CM साहब की भी मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में, इस भेंटवार्ता में किस प्रकार से IPFT और भारतीय जनता पार्टी दोनों सदृढ़ रूप से काम कर सके, त्रिपुरा के उन्नयन के लिए, त्रिपुरा के उन्नति के लिए काम कर सके, इस विषय पर एक बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। साथ ही आज महिला दिवस भी है, तो एक खुशखबरी आप सबके लिए है कि दो जनजातीय महिलाएं, आदरणीय जयंती देववर्मा जी जो IPFT से लड़ी थी चुनाव, हमारे गठबंधन की पार्टनर है, और BJP से हमारी दूसरी जनजाति बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आश्राम बाड़ी से, कुछ वोटों से रह गई, उन दोनों को MOS का रैंक दिया जाएगा निगम अपने किसी बोर्ड में, निगम बोर्ड में, और दोनों हमारी जनजातीय बहनों को शक्ति प्रदान करके किस प्रकार से वो और काम कर सके, आज महिला दिवस के दिन यह निर्णय भी पार्टी ने लिया है। दादा, इसके साथ साथ मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री पुद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है, उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी, गृहमंत्री श्री अमित शाह जी, असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा जी और त्रिपुरा के CM श्री मानिक शाह जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि IPFT, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। CM साहब ने कहा है कि एक विस्तृत चर्चाओं की श्रृंखला, अ सीरीज ऑफ टॉक्स इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा, और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा। आज आप लोगों की त्रिपुरा मोथा के साथ बैठक हुई है, इसमें क्या डिप्टी CM को लेकर कोई भी चर्चा हुई है, क्योंकि प्रद्युत देववर्मन और उनका जो डिमांड है उसको लेकर गृहमंत्री जी से बैठक हुई है, क्या ग्रेटर त्रिपुरालैंड इश्यू? नहीं, कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी CM, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया। मोथा क्या सरकार में शामिल होगा सर? नहीं, इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है, केवल जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन टॉक्स के बाद CM त्रिपुरा ने आश्वस्त किया है कि सभी दलों के साथ, IPFT के साथ, बाकी सामाजिक दलों के साथ और मोथा के साथ भी बैठ करके ये चर्चा किया जाएगा और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।